आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग के एक बजट 5G मोबाइल के बारे में। इस मोबाइल का नाम है A23 5G। तो इतना ज़्यादा बजट भी नहीं है मोबाइल, बट इसकी मैं आपको कंप्लीट रिलीज डेट, प्राइस, स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान इंडिया बताऊंगा, और यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा जो स्पेसिफिकेशन मौजूद है यहाँ पर, एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन मौजूद है जिसकी एक्यूरेसी 90% प्लस ही होगी, ठीक है ना। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ लुक्स की। तो लुक्स तो अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ये लुक्स होगा इसका, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर फ्रंट पर हमें वही पुरानी घिसी पिट्टी ये वी नोच मिल जाएगी जो इतनी ज़्यादा कूल नहीं लगती देखने में। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि साइड वाला जो पंच होल होता है या बीच वाला जो होता है कैमरा होल काफ़ी अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, एटलीस्ट मुझे साइड वाला ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। अभी बात कर लें कलर्स की। तो कलर्स तो आपके सामने यही कलर्स आएंगे जो भी है, ठीक है। और इसकी रिलीज़ कब होगी, देखें रिलीज़ फ़िलहाल कुछ कंफर्म नहीं, बट यहाँ पर अभी ये गुमान किया जा रहा है कि ये रिलीज़ कर दिया जाएगा पाकिस्तान में भी और इंडिया में एंड ऑफ सितंबर में, ठीक है। तो एंड ऑफ सितंबर में रिलीज़ कर दिया जाएगा ये मोबाइल। और इसकी प्राइसिंग क्या होगी, इसकी प्राइसिंग जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ प्राइसिंग इसकी। यहाँ पर ऑलमोस्ट $300 की प्राइस आ रही है। इसको पाकिस्तानी करेंसी में डायरेक्ट कन्वर्ट किया मैंने, किसी किस्म के टैक्सेस और कुछ भी नहीं डाला मैंने यहाँ पर। तो इसकी डायरेक्ट प्राइस आ रही है कोई 65,000 के करीब, ठीक है। तो बजट कहाँ से हुआ ये मुझे कुछ समझ नहीं आया वैसे, बट फिर भी सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट वाला मोबाइल मुझे नज़र आ रहा है लेटेस्ट मोबाइलों में जो 5G होगा, ठीक है। तो इसकी प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70,000-72,000 पाकिस्तान में, और इंडिया में प्राइस होगी लगभग कोई 24,000 के करीब, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसकी कुछ मुमकिन स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो स्पेसिफिकेशन तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर प्राइसिंग लिखी हुई डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बताता चलूँ। देखें यहाँ पर इंटरनेशनली रिवील कर दिया जाएगा इसको 16 सितंबर को, ठीक है। और यहाँ पर तो साथ में आईफोन भी आ रहा है सितंबर में, काफ़ी सारे मोबाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमारा जो टॉपिक है सैमसंग का मोबाइल, तो उस पर बात करते हैं। देखें यहाँ पर ये बात कर लें, इसमें 197 ग्राम का वेट होगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का फ्रंट पर सपोर्ट मिल जाएगा, प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम होगा, 90 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले होगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है और बहुत घटिया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। 6.6 इंच का यहाँ पर हमें डिस्प्ले मिल जाएगा, FHD+ रेजोल्यूशन होगी। यहाँ पर अगर सुपर एमोलेड लगा दिया जाता तो बहुत ज़बरदस्त हो सकता था डिस्प्ले, बट LCD डिस्प्ले तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर एंड्रॉयड 12 में मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, 1 UI 4.1 एंड स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 5G प्रोसेसर है और 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा मेमोरी कार्ड का, और 4GB 64GB स्टार्ट होकर ये जाएगा हमारे पास 8GB 128GB तक इसकी बेस वेरियंट, इसका वेरियंट, ठीक है। और कैमरा के बारे में बात कर लें तो देखें 50 MP का मेन सेंसर डाला जाएगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करेगा, और 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और डेप्थ सेंसर डाले गए जाएंगे जो कि सिर्फ दिखाने के लिए डाले गए हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं इसके सिवा। और यहाँ पर देख सकते हैं 1080p वीडियो बना रहा है, जस्ट ये 4K डाल सकते थे उन्होंने जानकारी डाली यहाँ पर। और सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर फ्रंट कैमरा 8 MP का मिल जाएगा, और यहाँ पर लाउड स्पीकर मौजूद है, जैक भी मौजूद है 3.5 mm, ब्लूटूथ 5.1 के साथ मिल रहा है, हमें टाइप सी 2.0, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी विद 25 V फास्ट चार्जिंग, एंड कलर है इसके ब्लैक वाइट एंड ब्लू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इस मोबाइल की अच्छी बातों की बुरी बातों की। देखें अभी तो फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं कि यही स्पेसिफिकेशन आ रही, बट एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन है तो इस पर फर्स्ट इंप्रेशन भी देता चलूँ। इसका डिस्प्ले अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी चीप है और काफ़ी यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कैमरास जो लोग 4K वीडियो बनाते हैं उनके लिए कैमरा काफ़ी घटिया होगा क्योंकि मैं 4K वीडियो नहीं है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, मीन्स के 1080p वीडियो आपकी काफ़ी स्टेबल आएगी, और जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ लेते हैं उनके लिए सेल्फी कैमरा बहुत ज़्यादा चीप और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना वेस्ट ऑफ मनी लगाया गया जो सिर्फ 8 MP का है। ये भी जस्ट 1080p वीडियो बनाएगा, और यहाँ पर देखें टाइप सी 2.0 मिल रही है, और 25 V की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी, ठीक है ये चल जाता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा, इन डिस्प्ले यहाँ पर हमें साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं मोबाइल कैसा लगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड संग्री में मेरा चैनल भी आ चुका है, वीडियो भी आ चुकी है, तो आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।